गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं जे के करंट अफेयर्स कुछ करंट अफेयर्स के हम टॉपिक आज हाँ शुरू करेंगे दिस इज लेक्चर वन इस सीरीज का ये लेक्चर वन है तो फर्स्ट टॉपिक इज जी आई विल बी अ गेम चेंजर जे के विलड इट्स यूज फॉर एग्री हैंडीक्राफ्ट सेक्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनागरेटेड टू डे वर्कशॉप ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय टूडे ऐट स्कास्ट जम्मू वर्कशॉप एम्स टू सेंजटाइज ऑल स्टेक होल्डर्स आन जी आईज एंड ओलडेस्ट कैटेगरी ऑफ ट्रेडमार्कस आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फार्मूलेट फ्यूचर स्ट्रेटेजी टू एम्पावर रूरल कम्युनिटीज तो एल जी मनोज सिन्हा ने जो हमारे जम्मू कश्मीर के एल जी हैं मनोज सिन्हा उन्होंने स्कास्ट जम्मू में एक दो दिन का वर्कशॉप चल रहा है किस पे जी आई टैक्स पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन पे तो क्या है ये क्या है फायदा इसका जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जीआई क्या होते हैं कुछ स्पेशल uh, रीजन के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको जीआई टैग दिया जाता है द लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू इड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ फार एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेसन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटर्ट ऑफिशन कॉमन प्लेटफॉर्म टू चाक आउट कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपर्चुनिटी फ्राम द फार्मर्स एंड आर्टिजन तो स्कॉस जम्मू में ये वर्कशॉप चल रहा है जिसमें हमने किस किस को बुलाया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाया है इंटलेक्चुअल आई पी आर एक्सपर्ट्स को बुलाया है और दूसरे कॉमन प्लेटफॉर्म से भी बाकी लोगों को बुलाया है फार्मर्स आर्टिजन वगैरह को हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन द फर्स्ट सेंचुरी इकोनमी सीना से यू टी गवर्नमेंट इज मेकिंग डेडिकेटेड एफर्ट्स फॉर जी आई टैगिंग ऑफ निक एंड प्रीमियम लोकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्पिंग दैम टू क्रिएट दियर डिस्टिंगटिव आइडेंटिटी तो इससे क्या होता है जी आई टैगिंग से प्रीमियम लोकल प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रमोट होते हैं एक उनकी एक आइडेंटिटी जो है एक आइडेंटिटी कार्ड उनको मिल जाता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ जो है इस वर्ल्ड के सिर्फ इस स्पेसिफ़िक एरिया में मिलती है और इससे कंफर्मेशन होती है कि वो उसी जगह का है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जी आई टैगिंग ऑफ कश्मीर सेफरान हैंड नोटेड कारपेट्स पेपर मैशे एंड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स रिजल्टेड इन ह्यूज सक्सेस फॉर लोकल प्रोड्यूसर्स पीपल फर्स्ट इज अवर मंत्रा तो ये एक न्यूज़ थी कि स्कॉस्ट जम्मू में जी आई जोग्राफिकल इंडिकेशन पे एक वर्कशॉप चल रहा है और मनोज सिन्हा ने उसको इनोग्रेट किया है और जिससे क्या होगा लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोशन मिलेगी तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ चलते हैं सेकेंड न्यूज़ पे सेंटर क्लियर्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2500 करोड़ फॉर अपग्रेडिंग इनफ्रा ऑफ डी तो ये दो न्यूज हैं एक तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और दूसरा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट कैबिनेट टुडे अप्रूवटीन थाउजेंड सेवन फोर्टी फोर इंसेंटिव प्लान टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द कंट्री इन बिट टू कट इमिशन देखिए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हाइड्रोजन जो है क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है इनफ्लेमेबल है जलता है इसलिए इसी को एज अ फ्यूल जो है हम यूज करने वाले हैं इसलिए इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी जरूरी है तो इसी के लिए यह है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विच is एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट rupees 8 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन हाइड्रोजन chain हमारे जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है अनुराग ठाकुर उन्होंने बोला कि ये जो इस स्कीम से क्या होगा आठ लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा ग्रीन हाइड्रोजन चेन में ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन हम बनाते हैं वाटर की सप्लेटिंग से वाटर इज एच और इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे दो चीज़ें बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके पर आपको पता कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हम कोयला जला के भी बनाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी बनाते हैं तो बट तो ये कंप्लीटली ग्रीन नहीं होगी अगर हम इसको कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए सोलर है रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करके तब जाके हम उसको कम्प्लीटली ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बोला जाएगा मतलब सोलर एनर्जी यूज करके हम क्या बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम फिर सप्लीटिंग करेंगे वाटर की और वाटर की सप्लीटिंग से हमें मिलेगा हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन सप्लीट वाटर थ्रू इलेक्ट्रोलेसिस और ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट इस पैराग्राम में हम इसका इतना क्रक्स निकल सकता है द मिशन सिक्स टू प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मिलियन मेट्रिक टन पर एनम विद एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ अबाउट वन ट्वेंटी फाइव गीगावाट इन दी बाई टी थर्टी तो दो हजार तीस तक हमने फाइव मिलियन मेट्रिक टन्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है पर ईयर और साथ में एक सौ पच्चीस गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोडक्शन करनी है अकॉर्डिंग टू दिस मिशन इससे क्या होगा एक तो इससे आठ लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी छह लाख नए जॉब क्रिएट होंगे पचास मिल, आ, मिलियन मेट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा ये सब 2030 तक होगा सरल नेशनज है ऑलरेडी कम अप विद ग्रीन हाइड्रोजन सब्सिडी एंड सपोर्ट प्रोग्राम यू एस जर्मनी यू के जापान ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स ऐसी सब्सिडी स्कीम्स जो हैं वो चला चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने के लिए द मिशन विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अंडर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट साइट की क्या फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशनस फार ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट इन अपग्रेड प्रसार ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अ अप्रूव वर्थ मोर देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोड़ फॉर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ये तो एक स्कीम थी इसमें आपने क्या देखा कि हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए पच, आ, जो है वो फंड एलोकेट किया है लगभग बीस हजार करोड़ रुपए उन्नीस हजार सात सौ चौतालीस करोड़ रुपए एलोकेट किया है तो उससे ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी है दूसरी जो यहाँ पे स्कीम है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से रिलेटेड है प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो मतलब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इसको प्रमोट करना है इसके लिए किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है नए टावर्स नए जो है नेटवर्क उसका बढ़ाना है उसके लिए 2500 करोड़ भी स्कीम जो है वो अप्रूव की गई है 2500 करोड़ भी एलोकेट किया जाएगा ठाकुर अनाउंस सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड एक बाइंड स्कीम चलाई गई है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और साथ में नेटवर्क भी डेवलप करना है तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट ये स्कीम जो है ये प्रसार भारती दैट मीन्स डी डी दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो के लिए दोनों के लिए कंबाइंड स्कीम जो है होने जारी है स्कीम इज अ व्हीकल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रसार भारती फॉर एक्सपेंसिस रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ इट्स ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंटेंट डिवेलपमेंट एंड सिविल वर्क रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट तो इससे आपको क्या पता चला बाइंड क्या होता है बाइंड एक स्कीम निकाली गई है प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो की डेवलपमेंट के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर And नेटवर्क development. सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइंड स्कीम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखिए काफी सुना होगा आपने इसके बारे में कश्मीर में हम काफ़ी यूज करते हैं जम्मू कश्मीर में चिलई कलान तो आप तक आपने एक ही वर्ड सुना होगा चिल्लाई कलान क्या होता है हम पूरी जो सर्दियां हैं सर्दियों का जो सीजन है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक फोर्टी डे का हार्श विंटर पीरियड होता है जिसको आप चिल्लाए कलान बोलते हैं जो 21 दिसंबर से 30 जनवरी 40 दिन हो गए 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक जो 40 दिन का पीरियड है उसको आप बोलते हैं चिल्लाए कलान फिर फर्स्ट फेब से 30 जनवरी के बाद 30 जनवरी से 19 फेब तक 20 दिन का जो पीरियड है 40, 20 और 10 इसको आप बोलते हैं चिल्लाए खुर्द चिल्लाए खुर्द और उसके बाद लास्ट जो है चिल्लाए बच्चा इसको आप बोलते हैं बेबी कोल्ड मतलब जाती हुई जो सर्दी है दस दिन का पीरियड है फ्रॉम ट्वेंटियथ फेब टू मार्च फर्स्ट इसको आप बोलते हैं चिल्लाए बच्चा तो ये आप तीन टर्म याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर जीके के, के लिए चिल्लाए कलान चालीस दिन का पीरियड है दिसंबर इक्कीस से शुरू करके तीस जनवरी तक फिर तीस जनवरी या थर्टी फर्स्ट जनवरी से नाइनटीन फेब तक चिल्लाए खुर्द और बीस फरवरी से एक मार्च तक दस दिन का जो पीरियड है वो चिल्लाए बच्चा नेक्स्ट न्यूज क्या है विद द इंक्लूजन इन द फोर्थ शेड्यूल अंडर दू ए पी ए नाइनटीन सिक्सटी सेवन वन कश्मीरी विल बी द फोर्टी नाइन्थ इंडिविजुअल टू बीस डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट द नोटिफिकेशन सेट क्या है रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट एक टेररिस्ट है उसको फोर्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है यू ए पी ए नाइनटीन एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अकॉर्डिंगली अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के में एक शेड्यूल फोर है उसके अकॉर्डिंगली उसमें ऐड किया गया है एक कश्मीरी का नाम कि वो एक एज ए टेरिस्ट जो है वो है दिस इज द फोर्टी नाइन्थ इंडिविजुअल आया है डीजीपी हमारे जे के स्टेट के कौन है इट इज दिलबाग सिंह जो प्रेजेंट डी है हमारे दैट इज दिलबाग सिंह देखिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं क्या है तंजानिया और इंडिया के बारे में एक न्यूज है रिसेंटली तंजानिया के एक मिनिस्टर जो हैं वो हमारे मिनिस्टर uh, से मिले हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह से वो मिले हैं अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्योंकि जम्मू से बिलोंग करते हैं तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है ये यह है State, ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किस चीज़ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अर्थ साइंसिस के पीएमओ एम में ऑफिस में भी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के पेंशनस के एटॉमिक एनर्जी के स्पेस के तो इतने सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं इनके पास हैं हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ एटॉमिक एनर्जी स्पेस पर्सनल पेंशन पब्लिक ग्रीवेंसेस इन सब के ये मिनिस्टर हैं लॉर्डिंग इंडियाज़ गवर्नेंस प्रैक्टिस जॉय है किम महगामा सेड

सिंग एश्योर तनजानियन मिनिस्टर दैट द इंडिया वुड भी हैप्पी टू सपोर्ट तनजानिया टू डिज़ाइन एंड डेवलप परफार्मेंस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड पब्लिक एम्प्लॉई परफारमेंस मैनेजमेंट इन्फार्मेसन सिस्टम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पब्लिक एम्प्लॉ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम ठीक करके देंगे उसको हम डेवलप करने में हेल्प करेंगे तंजानिया की इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशंसी एंड एफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन द ईस्ट अफ्रीकन कंट्री इसके साथ साथ क्या है? एक इम्पॉर्टेंट है आई आई टी मद्रास ने आई आई टी कैंपस बनाया है बनाने आ, उनको दिया गया है टास्क ये काम चल रहा है तनजानिया में आई आई टी का कैंपस बनाएगा कौन बनाएगा आई आई टी मद्रास याद रखेंगे आई आई टी मद्रास बना रहा है कैंपस तंजानिया में डॉक्टर सिंह

फाइटर जेट जिसको आप बोलते हैं तो वो हम देने को तैयार हैं अगर वो चाहें तो और साथ में हम टी पी डी एफ पीपल्स डिफेंस फोर्स पीपल्स डिफेंस फोर्स जो उनकी आर्मी है उसको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना डिफेंस जो है वो कर सकें अपने देश की सिक्योरिटी के लिए तंजानिया की बात हो रही है तो हम तंजानिया पे चलते हैं ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री देखिए ये आपके सामने मैप है अफ्रीका का दिस इज तंज़ानिया ये तंजानिया है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है तो देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है एक तो ये आ, इंडियन ओशन रीजन में पड़ता है अफ्रीका में है मेनली तो तंज़ानिया तो यहाँ पे क्या है दो चार चीज़ें यहाँ पे। लेक विक्टोरिया यहाँ पे पड़ती है इसके बॉर्डर पे लेक विक्टोरिया है लेक टंगानिका टंगानिका और साथ में लेक मलावी ये तीनों लेक्स इसके बॉर्डर पे पड़ती हैं सिर्फ एक लेक है लेक रुकवा वो उसके अंदर है तो आप तंजानिया से आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसके बॉर्डर्स पे तीन इंपॉर्टेंट लेक्स हैं लेक विक्टोरिया लेक टंगानिका और लेक मलावी ये इसके बॉर्डर्स पे हैं और एक लेक इसके अंडर है दैट इज लेक रुकुआ तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो तीन लेक्स हैं बताइए इनमें से कौन सी लेक तंजानिया के इंटरनल में है और कौन सी इनके बॉर्डर पे है तो लेक विक्टोरिया लेक टंगानिका और लेक मलावी ये तीनों बॉर्डर पे हैं और लेक रुकुआ जो है वो तंजानिया के अंदर लाई करती है सो so, ये कुछ न्यूज़ हैं करंट अफेयर्स की जो जे के से रिलेटेड नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे थैंक यू